हेलो भाई नमस्कार। तो साधु सदन के संगीतालय में आज आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में भजन का सीरीज चलाते हुए फिर से आज भजन सिखाएंगे, जो कि ऐसा भजन है वो पुराने धुन पे पुराने ताल पे है, जो हम लोग को बाबा परदादा गाते बजाते थे उसी धुन का है, लेकिन गाना मस्त है। इस गाने को मैंने अपने लिखा हूँ, आप लोग इस गाने को यूज कर सकते हैं, कहीं भी गा सकते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाली है। तो इस गाने को आप लोग कॉपी कलम पर लिख लेंगे तो और बढ़िया होगा, क्योंकि गाएंगे भी और इसका नोटेशन भी बताएंगे। तो इस भजन को आप अगर सीख लेते हैं तो आप कहीं भी मंदिर प्रोग्राम में धूम मचा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, फुल वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी भी ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस भजन में कौन कौन सा बटन यूज हुआ है, क्योंकि बटन एक बार देख लेंगे गौर से तो आपको समझने में सीखने में बहुत ही आसान हो जाएगी। यहाँ से सब मानेंगे, सा रे गा मा पा धा, धा तक जाना है। सब के सब बटन शुद्ध स्वर है, सा रे गा मा पा धा, सब शुद्ध, लेकिन एक कोमलनी थोड़ा टच है, कहीं कहीं एक टच होगा, आपको हम बताएंगे बाद में। टोटल 1 2 3 4 5 6 और इसको लेकर 7, 7 बटन में पूरा गाना बजेगा। अब देखिए, शुरुआत करना है गा से, शेरा वाली माई के भावनवा शेरा वाली माई के भवनवा पहुँचा दा के हो। तो इस गाने को किस तरह से बनाया गया है, इस पहले इस कहानी को देख लेते हैं। कहानी में है, एक लड़का अपने माता पिता के साथ में मेला घूमने जाता है। मेला में अपने माँ बाप से उसका लड़का बिछड़ जाता है। अब बिछड़ जाता है, जार बेजार रोने लगता है मेला में, और किसी न किसी को पकड़ के कहता है, चाचा जी भैया जी हमको घर पहुँचा दो। पूछता है घर कहाँ है बच्चा, तो घर नहीं बताता है, वो सिर्फ बताता है कि हमारे गांव में एक मंदिर है, मंदिर के पास मेरा घर है, हमको उस मंदिर तक पहुंचा दो। वही बच्चा रोते बिलखते हुआ बता रहा है अपना एड्रेस कैसे, शेरा वाली माई के भावना पहुंचा दो के हो भैया हो पहुंचा के हो। इस तरह से इसका बोल है, ये तो बोल हो गया। अब इसका नोटेशन समझते हैं कि कौन कौन सा लगेगा। गा से शुरुआत करना था, शेरा वाली, शेरा वाली, शेरा वाली, गा 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 रे रे गा, गा 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 रे रे गा, गा शेरा वाली। ये तो हो गया शेरा वाली। अब माई के भावनवा सा रे रे म ग ग रे रे, सा रे रे म म ग ग रे, पहुँचा द केहू, सा रे ग रे सा, पहुँचा द केहू, सा सा रे ग रे सा। तो इस तरह से इसका हो गया मुखड़ा का पहला लाइन। अब एक साथ बजा के दिखाते हैं, शेरा वाली माई के भावनवा पहुँचा द के हो। ये तो हो गया एक मुखड़ा का शुरुआत लाइन। अब इसमें इसी बोल को थोड़ा आगे खींच के ले जाना है, किस तरह से, भैया हो पहुँचा द
देखिए कोमलनी का प्रयोग हो रहा है। भैया हो पहुंचा दके हो सारे मम पानी धापा। भैया हो पहुंचा दके हो सारे मम पानी धापा। भैया हो पहुंचा दके हो। अब दूसरा लाइन है चाचा हो पहुंचा दके हो चाचा हो पहुंचा दके हो प प प म ग रे ग रे सा चाचा हो पहुंचा दके हो प प प म ग रे ग रे सा। यह हो गया दूसरी पार्ट। अब इसके बाद फिर शेरा वाली माई बस यही इतना नोटेशन इसका मुखड़ा में लगेगा। अब आएंगे अंतरा। अंतरा में भी मुखड़ा लगभग सेम है, एक बार देखते हैं। गाँव के पुरवा बाटे माई के मंदिरिया हो। सेम वही लाइन लगा जो हमने मुखड़ा का दूसरी लाइन बताया था। भैया हो पहुँचा दके हो चाचा हो पहुँचा दके हो। यही लाइन अंतरा में आ रहे हैं। अब देखिए सा से शुरुआत किए थे उसमें गाँव के पुरवा बाटे माई के मंदिरिया हो। नोटेशन डिस्प्ले पे चल रहा है, नोटेशन सेम है, गाना का बोल सिर्फ चेंज है। फिर से देखिए गाँव के पुरवा बाटे माई के मंदिरिया हो। दूसरा लाइन में है बड़ी भीड़ लागत रहे संझिया के डेरिया हो। बड़ी भीड़ लागत रहे संझिया के डेरिया हो। अनिमिया पे टांगल है झोला नवा पहुँचा दके हो शेरा वाली माई के भावना पहुँचा दके हो। इस तरह से इसका अंतरा भी हो गया जो कि मुखड़ा का ही नोटेशन लग रहे हैं। अब इसका दूसरा अंतरा भी आपको बता देता हूँ ताकि आप गाएंगे तो पूरा गाना गाना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्या है मम्मी पापा संग घूमे नवरात्र के मेला हो ऐनी आ घूमत घूमत मेला में हम तो भूलाई हो गईनी थक गईले हमारो बदना पहुँचा दके हो शेरा वाली माई के भावना पहुँचा दके हो। तो इस तरह से इसका
फुल गाना है, फुल नोटेशन है। आप लोग एक बार देखिए, गौर से सीखिए, कॉपी पर लिख लीजिए और गांव में, मंदिर में, मंडली में, प्रोग्राम में कहीं भी निसंकोच गाइए और बजाइए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और नए मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।